1582 में आज के दिन फ्रांस ने ग्रिगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल शुरू किया। 1799 में आज के दिन मेट्रिक सिस्टम अपनाने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बना। 1816 में आज के दिन डच उपनिवेशवादियों ने सुमात्रा पर दोबारा कब्जा किया। 1878 में आज के दिन जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक मोहम्मद अली जौहर का रामपुर में जन्म हुआ। 1896 में आज के दिन नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का निधन हुआ। 1898 में आज के दिन पेरिस संधि के बाद स्पेन अमेरिका युद्ध समाप्त हुआ। 1899 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म हुआ। वो वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक थे। राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। वर्ष 1954 में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न पाने वाले वो पहले व्यक्ति थे। 1902 में आज के दिन तस्मानिया में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला। 1903 में आज के दिन प्यूरे क्यूरी और मैरी क्यूरी को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1947 में आज के दिन सोवियत संघ और चेकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1950 में आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस घोषित किया गया। 2001 में आज के दिन दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार का निधन हुआ। अशोक कुमार को कला के क्षेत्र में उनके योगदानों के लिए वर्ष 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। वर्ष 1988 में हिंदी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2007 में आज के दिन क्रिस्टिना फर्नांडिस डी किर्चनर अर्जेंटीना की पहली महिला राष्ट्रपति बनी।